बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र का बड़ा फैसला। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून में संशोधन किया गया और इस संशोधन से उपराज्यपाल को और ताकतें मिलेंगी। गृह मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। रविकांत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रविकांत, क्या संशोधन है? साल 2019 में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो है वो संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ था और उसके सेक्शन 55 में एमएचए ने नोटिफिकेशन जारी करके ये अमेंडमेंट बताया है। इसके मुताबिक ये होता है कि जम्मू कश्मीर को अगर पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है उसके बावजूद भी जो एलजी की शक्तियां हैं वो पहले की तुलना में ज्यादा होंगी। अब इस बात को लेकर जो वहां के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला ये आरोप लगा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में क्या जम्मू कश्मीर की जो जनता है उसको एक रबर स्टैंप सीएम मिलने जा रहा है, क्योंकि जो शक्तियां हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर की बढ़ा दी गई हैं और इसमें जो पर्सनल अपॉइंटमेंट होते हैं और कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जो बिना एलजी के अप्रूवल के उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। इसको लेकर अब जम्मू कश्मीर के जो सियासतदान हैं वो आरोप लगा रहे हैं, मतलब कि जानबूझकर पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आना शुरू हो चुका है। रविकांत, फिलहाल इसका इन्फ्लुएंस क्या होगा या इंपैक्ट क्या होगा देखने वाली बात है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी।